बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक सस्ता सॉल्यूशन चाहिए, पूरे घर का लोड उन्हें चलाना है पर उनके पास बजट की कमी है। कम बजट में वो चाहते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए कि जिस सिस्टम से उनके पूरे घर का लोड चल जाए और बिजली का कनेक्शन उन लोगों को ना लेना पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के इस तरह के सिस्टम लगाए हुए हैं कि जिस सिस्टम पे वो अपना एग्रीकल्चर पंप चलाते हैं, अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, पर सिंचाई खेतों की हर रोज सिंचाई नहीं होती है तो बाकी दिन सोलर पैनल रहता है खाली। तो उसका क्या कोई सॉल्यूशन है कि उस सोलर पैनल से आप उस टाइम अपने घर का पूरा लोड चला पाए कि जिस टाइम आपका खेतों का काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक नॉर्मल पैनल से पूरे घर का लोड चल रहा है, पूरा खेतों की सिंचाई हो रही है। अगर टोटल प्रोजेक्ट की बात मैं करूं तो आप सोच कि जो सॉल्यूशन को बनाने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है, उस सॉल्यूशन को बनाने में मात्र लाख रुपए से भी कम में आप अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। अगर आप किसी फार्म हाउस के मालिक हैं, रिजॉर्ट के मालिक हैं, या फिर कोई आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है, तो किस तरीके से कम बजट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, पूरे घर का लोड लाइफ टाइम फ्री में चला सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये 9 पैनल लगे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोली पैनल है, जैसे कि पहले पोली पैनल चलते थे आपने देखा होगा, अभी तो लेटेस्ट में मोनोपार्क और मोनोबायफेशियल पैनल का जमाना आ गया है। तो ये 335 वाट का पैनल काफी सस्ता है और सरकार से अनुदान में इस तरह के 3 HP के बहुत सारे सिस्टम लगाए गए थे जो कि किसानों के लिए दिए गए हैं अनुदान में। तो मैं आपको दिखाऊं, ये 9 पैनल लगे हैं पोली टेक्नोलॉजी के और इस पैनल से जो मेन काम हो रहा है वो हो रही है खेत की सिंचाई। और आप ये देख रहे हैं ये सामने ये पंप कंट्रोलर लगा है, तो जिसको आप VFT ड्राइव बोलते हैं, और यहाँ पे सामने लिखा भी है, कृषक पंजीकरण संख्या भी लिखी है कि जो किसान ने ये दिया गया है, ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना 2022-23 से ये मिला है सब्सिडी पंप। और इस पंप की जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो आई है 64,000 रुपये। तो 64,000 रुपये में ये 9 पैनल मिले हैं, ये जो आप GI का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मिला है और ये VFT ड्राइव मिला है। तो इनका क्या है कि ये मनोज भाई के घर पे मैं हूँ और मनोज भाई के यहाँ पे खेत हैं, मैं आपको खेत दिखाऊंगा। तो ये पीछे आप देख रहे हैं ये मनोज भाई के खेत हैं और ये खेत के पास ही इनका मकान है। तो है क्या कि ये अपना इस 3 HP के पंप से अपने पूरे खेतों की सिंचाई करते हैं और बाकी चूंकि सिंचाई हफ्ते में एक आध दिन ही होती है इनकी और बाकी टाइम जो है इनका पैनल खाली रहता था। तो इस सिस्टम को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके सिस्टम में कि जब ये पंप चलाते हैं तो ये पंप चला सकते हैं और बाकी टाइम ये अपने पूरे घर का लोड इससे चलाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 2 बैटरी आपको यहाँ दिख रही है और 2 बैटरी है ये लेड एसिड की। तो इन्होंने लेड एसिड बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है, पहले से इनके पास एक इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ था, उस इन्वर्टर से बैटरी इन्होंने हटा ली और ये बैटरी यहाँ पे 2 लिफास्ट की बैटरी इन्होंने लगा दी। अब इसमें सॉल्यूशन क्या बनाया है मैं आपको दिखाऊं। तो आप ये देखें कि ये इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर है नेक्सस का 3 KVA 24 वोल्ट का इन्नो 8G का PCU। अब इस PCU से ये 2 बैटरी कनेक्टेड हैं और इन्होंने क्या किया है कि इस पे कंट्रोलर लगवाया है। तो ये आप देख रहे हैं कंट्रोलर है। अभी कंट्रोलर का काम क्या है कि जब इनको VFD को करंट देना होता है तो ये इसको जो चेंजओवर है इस चेंजओवर को ये ऊपर कर देते हैं तो ये जो सप्लाई है सोलर पैनल की ये चली जाती है VFD ड्राइव को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं कि पहले इस सिस्टम से किस तरीके से खेत की सिंचाई होती है। तो उसमें ये करते ये हैं चेंजओवर देख रहे हैं, इस चेंजओवर को इसको करते हैं, अगर हम नीचे कर देते हैं इस चेंजओवर को तो यहाँ से हमारा घर चल जाता है पूरा। अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो हमारा पंप चल जाता है, यहाँ से इसको ऊपर कर दिया अब हमारा पंप चल जाएगा। तो दिखाते हैं आपको कैसे पंप चलता है। अब यहाँ से ऊपर करने पे पंप चालू हो जाएगा और ये VFD जो इनकी ऑन हो गई, तो ये VFD ऑन है और VFD को इन्होंने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जैसे ये चेंज ओवर को ऊपर करेंगे तो VFD ऑटोमेटिकली इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इस ये जो VFD है इससे कितना पानी मिलता है वो भी मैं आपको दिखवा देता हूँ। तो ये देखें इन्होंने ये कुंडी बनाई हुई है। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं ये 200 फीट यहाँ पे गहरा बोरिंग है इनका और ये पानी इनका शुरू हो गया और इसी पानी से ये कुंडी इन्होंने बनाई हुई है, इस पानी से इनकी पूरे खेत की सिंचाई होती है। और पानी का फोर्स भी मैं आपको दिखा दूँ,
तो ये सिस्टम बड़ा लाजवाब सिस्टम है, पूरे खेत की आप सिंचाई कर सकते हो, घर का लोड चला सकते हो, तो आप पानी का फोर्स भी देखेंगे, जबकि ये नॉर्मल पैनल है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको नया सिस्टम लगवाना है तो आप बायोफेशियल वाला पैनल लगवाएं, उसमें और ज़्यादा आपको एनर्जी मिल जाती है। ये तो नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल पैनल्स हैं जो पहले आपको स्कीम में मिले हैं। तो आप ये देखें कि ये पानी का फोर्स भी ठीक ठाक है, पानी भी काफ़ी आ रहा है, और इतने पानी से इनकी 3-4 बीघे खेत की सिंचाई बहुत आराम से हो जाती है। तो आप ये खेत देखें, इस खेत की पूरी सिंचाई इसी पंप से हो रही है, तो सिंचाई की सिंचाई, और पूरा इनका घर का लोड चल रहा है फ्री में। तो VFD ड्राइव से ये अपना जो पंप है वो चला लेते हैं। अब जब इनका पंप काम नहीं कर रहा है, जो इसकी सप्लाई है सोलर पैनल की, उसको दे दिया है इन्वर्टर में, तो ये चेंज ओवर इन्होंने नीचे कर दिया, और इस चेंज ओवर को नीचे करके इसकी जो सप्लाई है वो जा रही है इस इन्वर्टर में, जैसे जो आपने इन्वर्टर देखा। अब इस इन्वर्टर से इनके पूरे घर का लोड चल रहा है और इनकी बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो इनके पूरे घर का भी लोड दिखाऊंगा, और सर आपको मैं बताऊंगा कि इस सिस्टम की पूरे की कॉस्ट कितनी आई, और ये सिस्टम आखिर किस तरीके से काम कर रहा है। मजे की बात ये भी है फ्रेंड्स कि अगर आप इस सिस्टम में बैटरी ना भी लगाना चाहें तो कोई जोत वाली बात नहीं है, बिना बैटरी के भी आप अपने पूरे घर का लोड दिन भर इस सिस्टम से ही चला पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मालिक से मिलवाता हूँ, इन मकान के मालिक से, और उसके बाद में इनका पूरे घर का लोड दिखवाता हूँ कि कहाँ का इनका लोड चल रहा है, और फिर इस सिस्टम की आपको कॉस्ट बताऊंगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका पूरा मकान है, और इसमें इन्होंने पूरा जो इनका सिस्टम लगा हुआ है वो किस तरीके से लगा हुआ है, दो वायर ये जा रहे हैं, आप ये देखें, ये दो वायर जा रहे हैं, तो वहाँ से इन्होंने एसी करंट को लेकर आए हैं, अपने घर में जा रहा है एसी करंट इनका, और ये जाके मेन कहाँ लग रहा है मनोज भाई, चेंज ओवर लगा हुआ है वहाँ पे। नमस्कार जी। तो अब मैं आपको मनोज भाई से पहले इंट्रोड्यूस करा दूं। मनोज भाई, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, और ये सिस्टम आपने किस तरीके से लगवाया था, कितने रुपए का आपका खर्चा आया है इस सिस्टम में, और ये जो सिस्टम आपने लगाया है, आप इस सिस्टम से कितने संतुष्ट हैं? जी, इससे बहुत संतुष्ट हैं, और ये जो सिस्टम लगवाया 3 kV का हमारा सिस्टम है, और ये हमने बुलंदशहर से लिया था, नेक्सस सोलर एनर्जी का सिस्टम है, और पूरा घर की सप्लाई चलती है इससे, और पूरे सुबह 8 बजे चालू हो जाता है सिस्टम, और लगभग ये शाम को 5 बजे तक चलता है, उसके बाद 2 बैटरी पूरा लोड लेते हैं, पूरी रात घर बैटरों से सप्लाई चलती है यहाँ पे। तो मनोज भाई, ये कैसे आपने सिस्टम लगवाया हुआ है? हाँ बताओ आप ये सिस्टम लगवाया हुआ है वहाँ पे पीछे घेर में, यहाँ से चेंज ओवर है, चेंज ओवर को अगर बीच में कर देते हैं तो कट हो जाती है, नीचे कर देते हैं बिजली चालू हो जाती है एसी, और हम इसको ऊपर कर देते हैं तो इसकी घर की सप्लाई चालू हो जाती है सिस्टम से। अच्छा। जो नेक्सस सोलर एनर्जी का सिस्टम है। तो मनोज भाई, ये बताओ कि ये जो आपने आपका घर का लोड चलता है तो क्या क्या लोड चलता है यहाँ पे आपका? इसमें फ्रिज है, और तुम्हारा वॉशिंग मशीन है। दिखा दो कहाँ कहाँ है। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पूरा घर, पूरे घर का लोड चलता है इससे। ये पूरे घर का सिस्टम है, यहाँ से पूरा वहाँ से सप्लाई ऑन हो गई, उसके बाद ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, LCD वगैरह है अंदर, ये सब चीज़ें, पूरा घर का लोड चलता है इसमें। बहुत बढ़िया। और उधर वो लगा हुआ है, उधर पहली तरफ कूलर वगैरह है, पंखे हैं 2-3। अच्छा, पूरा लोड चलाता है घर का, ये 3 kVA का सिस्टम है। अच्छा, रात भर पूरा आपका हो जाता है, मतलब फ्रिज भी चल जाता है रात भर? 2 बैटरी, रात को 2 बैटरी से आराम से चल जाता है फ्रिज। और रात में बाकी क्या कोई लोड चलते हैं आपके? बाकी 2-3 पंखे चल जाते हैं। अच्छा, पूरी रात को। अच्छा ठीक। तो मनोज भाई, ये बताओ कि इस तो ये पूरे सिस्टम में कितने रुपए का खर्चा आया आपका? इसमें लगभग 65,000 रुपए का तो ये प्लेट थी, और लगभग ये 42,000 प्लस GST ये था सिस्टम नेक्सस सोलर एनर्जी का। अच्छा, तो इस सिस्टम से आप कितना संतुष्ट हैं? और ये सिस्टम आपने पहले भी एक इन्वर्टर लगवाया हुआ था 24 वोल्ट पे, तो वो इन्वर्टर आपने हटा के उसकी बैटरी सिस्टम में लगवा दी? सिस्टम पर लगवाई। आपको क्या फर्क लगा? 2 बैटरी का इन्वर्टर वो था, ये है। पहले क्या होता था, बिल आता था लगभग 1500-1700, अब बिल 400-300 रुपए बस मिनिमम आता है बिल। अच्छा, इसे पूरे दिन चलता है डायरेक्ट नेक्सस सोलर एनर्जी से, पूरे दिन डायरेक्ट चलता है घर का सिस्टम। तो आप ओवरऑल मनोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब नेक्सस का ये वाला जो सिस्टम है, जिन लोगों ने सब्सिडी पंप लगाए हुए हैं, तो क्या इस इन्वर्टर से क्या वो लोग लाभ उठा सकते हैं? बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं इससे। पूरे दिन सुबह 8 बजे से लगभग 5 बजे तक बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जो आपका एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, कितने बीघे खेत की सिंचाई करते हो आप इससे? लगभग 3-4 बीघे खेत की सिंचाई करते हैं पीछे घर। अच्छा। के पीछे खेत है 3-4 बीघे, 1 या 2 दिन चलता है बस सिस्टम, बाकी तो घर यूज होता पूरा। तो मनोज भाई, फाइनली आप किसान भाइयों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज यही देना चाहेंगे, बहुत बिल की बचत करता है ये, पूरे घर को पूरे दिन चलाता है, और बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको लगवाने से किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स,
आपने ये रिव्यू जाना कस्टमर का कि नेक्सस का उन्होंने सिस्टम लिया और किस तरीके से आप एग्रीकल्चर सिस्टम को अपने डोमेस्टिक सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात यह कि आखिर ऐसा क्या है इस इन्वर्टर में कि आप ये पूरे जो आप देख रहे हैं ये 9 पैनल की पूरी सीरीज को ये वाला इन्वर्टर ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है नेक्सस का 3 kVA 24 वोल्ट का, इस इन्वर्टर में जो VOC है वो है 450 वोल्ट की इसके अंदर VOC है, और ये जो 9 पैनल है 9 पैनल की स्ट्रिंग पूरी की पूरी VFD में जा रही है। तो एक पैनल की जो VOC है वो है करीब 45, तो करीब 300 वोल्ट से प्लस इस पैनल की VOC हो जाती है अगर पूरे सिस्टम की मैं बात करूं। तो ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं है अभी तक इंडिया में नेक्सस के इस इन्वर्टर को छोड़ के जो 300 या 400 VOC के पैनल को सपोर्ट करता हो। ये जो इन्वर्टर है ये आपका 450 VOC को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम की जो पूरी स्ट्रिंग बनी हुई है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग इन एक्सेस के इन्वर्टर में हम लोग डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर आपका इतना पावरफुल हो जाता है कि 9 के 9 पैनल की सीरीज को ले सकता है। इस इन्वर्टर का दूसरा फायदा यह है कि आप चाहें तो विदाउट बैटरी भी दिन भर आप इस पे अपना पूरे घर का लोड चला सकते हैं। जिन लोगों के पास में नेक्सस का 1X का मॉडल AC है वो AC भी आप इस पे चला सकते हैं, और बाकी अगर आपके पास में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 1.5 टन का इन्वर्टर AC लगा हुआ है तो आप वो वाला AC भी इस पे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए रही जिन लोगों के पास सब्सिडी सिस्टम है। जिन लोगों के पास इस तरह के पैनल नहीं है और सब्सिडी सिस्टम नहीं लिया हुआ है वो अपने घर के लिए भी इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।